बार माह रमजान में इस महीने का इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा। कल जुमे का दिन है और इस माह रमजान का आखिरी जुम्मा है, अल कुद्स का दिन है और हम हमेशा शियाने हैदर कर्रार, हम हमेशा अली के चाहने वाले, हम हमेशा हुसैन के मानने वाले, हम हमेशा ता कयामत हम जो जुल्म करते हैं हम उनके खिलाफ हैं, हम हमेशा मजलूमों के साथ हैं और ता कयामत हम मजलूमों के साथ रहेंगे। हमारा पैगाम ये है, हमारी तौहीद से देख लें, रिसालत से देख लें, विलायत से देख लें, आले मोहम्मद का ये पैगाम है हमारे लिए कि अगर आप हमारे चाहने वाले हैं तो जहां जुल्म है उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, हम हमेशा मजलूमों के साथ हैं और ता कयामत हम मजलूमों के साथ रहेंगे। अल कुद्स का दिन है कल और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें ये दस दिया है कि अल कुद्स का दिन मनाएं और लोगों को बताएं कि हम अली के मानने वाले हैं। इस सदा से करबला की सरजमीन तक अपनी आवाज मेरे साथ मिलके कहें, लब्बैक या हुसैन, मिलके मिलके लब्बैक या हुसैन, मिलके अपनी आवाज को बुलंद करें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के हर फर्द की तरफ से हम अल कुद्स जो डे है उसके साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं और ता कयामत जब तक हमारे सीने के अंदर जान है, हमारे सीने के अंदर विलायत का जज्बा है, हमारे सीने के अंदर आज़ादारी इमाम हुसैन है, हम ता कयामत मजलूमों के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। सब मिलके आखिर में तमाम मजलूमों के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह अज़्ज़ वजल उनको ताकत दे, अल्लाह अज़्ज़ वजल उनको हिम्मत दे, अल्लाह अज़्ज़ वजल उनको सलामती अता करें और इंशाअल्लाह ज़ालिमों को निस्त और नाबूद फरमाए। सब मिलके अज्जिल वलीयक अल-फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयक अल-फराज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयक अल-फराज, रब सल्ली अला मुहम्मद وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين।